हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 23 लेके आई हूँ। वर्कशीट में आगे ही जो पिछली वर्कशीट में क्वेश्चन थे उससे आगे दिए हुए हैं उसी एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मैं आप और जो उसमें प्रमेय दी हुई हैं वो आपको पूरी हल करके दिखा रखी हैं, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा देती हूँ। अगर किसी को प्रमेय का हल जानना है या समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो अलग से आपके लिए डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रही हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति 3 में यदि पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री और ए अनुपात भी बराबर है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ये इसकी पिक्चर बनी है बच्चों, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर नीचे सी है, और देखो सीधी लाइन बनी है, तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और इसको आधा किया हुआ है, ठीक है ना, आधा किया है ना। तो ए का मान निकालना है, बी का और सी का। तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है ये आंसर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, दिया है ए अनुपात बी बराबर है 2:3। तो अनुपात के क्वेश्चन में हमने 8th क्लास में भी करा था, दोनों को जमा कर लेते हैं। अगर मैं ए और बी को जमा कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास दोनों का मान आ जाएगा, यानी कि 90 तो ये है और ये भी 90 ही होगा, तो पता चल जाएगा अलग अलग का मान कितना है। तो मैंने कर दिया ए जमा बी बराबर है किसके, पी ओ एक्स, पी ओ और एक्स, ये वाला, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। अनुपातों का योग कर लिया, 2:3 दे रखा है ना, तो दोनों को जोड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, जब अनुपात निकालते हैं ना तो पहला नंबर लिखते हैं और दोनों का टोटल लिखते हैं। इससे आसान तरीका बच्चों आपको कोई और सिखाएगा नहीं। तो पहले मैंने ए लिया, ए का मान निकालने के लिए, ए क्या है हमारे पास 2 है और टोटल 5 है, इनका अनुपात 5 है ना, 2/5 × 90 डिग्री, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री है, काट दिया 5 एकम 5 और 5 × 8 = 40, यानी कि 18 × 36। इसी तरह बी का मान निकाला, बी बराबर है 3/5 × 90 डिग्री, इसको भी काट दिया 5 एकम 5 और ये 18 आ गया, तो 18 × 3 = 54 होता है। अब देखो ये मेरे पास दोनों का मान आ गया, अगर मैं ऐसे देखूँ ये सीधी लाइन, तो ये भी 180 की है ना, 180 की, और इसका मान मेरे पास आ गया। अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूँ तो इन दोनों का मान भी आ जाएगा, यानी कि सी का मान आ जाएगा मेरे पास, इसको जमा इसको बराबर 180 लिख सकती हूँ मैं, यानी कि सी जमा बी बराबर 180, सी जमा 54, क्योंकि बी का मान मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो उसका मान मैंने रख दिया 54 बराबर 180 हो गया। तो सी मेरे पास क्या आ गया, 180 × 54 बराबर 126, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आकृति 4 में XYZ तथा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएगा, तथा Z का मान ज्ञात करो, ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों का मान हमें निकालना है। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू है, आंसर है, पहले पिक्चर देख लो, ये तुम्हारी वर्कशीट में बनी है, वाई का मान है बराबर 50। कैसे, देखो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का मान बराबर होता है, अगर ये 50 है तो वाई भी 50 होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वाई बराबर 50 डिग्री, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो मैंने क्या लिख दिया, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये लाइन अगर मैं ऐसे करूं तो इन दोनों का मान क्या होगा, जमा होके 180 होगा, तो जेड जमा 50 बराबर 180, जेड का मान यहाँ से निकल गया 180 × 50, तो जेड का मान क्या आ गया, 130 डिग्री। अब क्योंकि मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण है, जो जेड का मान होगा वही एक्स का होगा, तो मैं लिख सकती हूँ, इसलिए जेड बराबर है एक्स, है ना, कोण जेड बराबर है कोण एक्स बराबर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि तो कोण एक्स मेरे पास क्या है 130, ठीक है, जेड के बराबर ही है तो एक्स भी 130 आया, वाई मैंने निकाल लिया था 50 क्योंकि वो भी सामने वाले के बराबर था, और जेड बराबर है 130, तो तीनों का मान निकालने के लिए कहा था, तीनों हमने निकाल दिए, ठीक है बच्चों। ये है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।